सलार मूवी को लेकर के कल इवनिंग को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आपको याद होगा कौन सा वाला, जरूर पूछोगे। ओके, तो वो वीडियो का टाइटल कुछ ऐसा था कि थैंक यू होमवाले फिल्म्स करके मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, और वो वीडियो पे मैं आपको बता रहा था कि सलार मूवी को लेकर के रोजाना कुछ ना कुछ अपडेट आता ही रहता है और आ ही रही है। उसकी रिलीज डेट, मूवी रिलीज डेट, ट्रेलर रिलीज डेट, हर एक चीज को ये लोग रिकन्फर्म करते ही जा रहे हैं रोजाना। मतलब ऑडियंस के माइंड पे, फैंस के माइंड पे सलार मूवी की डिस्कशन कभी बंद करने के फिराक में मेकर्स नहीं है। मैं कुछ ऐसा ही बता रहा था वो वीडियो पे, और वो सिलसिला जो है आज शुरू हो चुका है। एक्चुअली वो जो सिलसिला है ना, बस मेकर्स की तरफ से नहीं, किसी और की तरफ से भी होता जा रहा है, और आज सुबह से शुरू हो चुका है। एक्चुअली आधी रात से हम कह सकते हैं वो लोग ऐसे उस तरह का अपडेट दिया है, और वो है आईमैक्स और पीवीआर। पीवीआर क्या क्या है, पीवीआर केमियो को यहाँ पे एक क्वेश्चनिंग किया है कि केमियो को लेकर के सलार मूवी में केमियो कौन करने वाला है आपके हिसाब से, कौन करना चाहिए बोल करके क्वेश्चन किया है। और वहाँ पे बहुत सारे हीरो लोगों का ऑप्शन है, जैसे कि रॉकिंग स्टार यश है, जूनियर एनटीआर है, राणा डग्गुपति है, दिलकृत सलमान है, विजय देवरकोंडा है, ऐसे करके 8 से 9 हीरो लोगों का वहाँ पे ऑप्शन है। कौन कौन वहाँ पे पीवीआर की तरफ से, पीवीआर के पास गए हो, और कौन सी हीरो को आपने चूज किया है, टिक किया है, ऑप्शन किया है, मतलब आंसर दिया है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन मैं 99% मैं बता सकता हूँ कि रॉकिंग स्टार यश को ही सब लोग दिए होंगे, क्योंकि भाई हमें ऑलमोस्ट पता है कि रॉकिंग स्टार यश ही फिल्म में कैमियो करने वाले हैं, चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, जो भी हो, केजीएफ के साथ ये फिल्म कनेक्ट हो रहा है, ये हमें 99% तक का एकदम से कन्फर्म लगता है। ओके, तो सब लोग यश को ही, मतलब रॉकिंग स्टार यश को ही वहाँ पे चूज किए होंगे, ये मुझे है ओके भरोसा है, लेकिन फिर भी आप अपना कमेंट कर देना। और आईमैक्स की तरफ से जो आया है भाई साहब खतरनाक है यार, वो अपनी एक्साइटमेंट को वहां पे जताया है और बोला है कि इंटरनेट के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, इंटरनेट मतलब एकदम से स्टक हो जाएगा, मतलब पूरा एकदम से इंटरनेट टूटने वाला है जब सलार का ट्रेलर आएगा। लिटरली ऐसा कुछ होगा यार, क्योंकि सलार के ट्रेलर को हम जिस तरह से वेटिंग में है, जिस तरह से इंतजार कर रहे हैं, जितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखो सलार मूवी ना जब अनाउंस्ड हुआ कि प्रशांत नील, केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील, बाहुबली का हीरो प्रभास, ये दोनों जब मिलकर के आ रहे हैं बोलकर के, जब हमें पता चला तो भाई ये अपने आप में बहुत बड़ी हाइप बन गई। ओके, जब केजीएफ चैप्टर टू आया तो कनेक्शन, यूनिवर्स, इस तरह की बात होकर के बहुत ज़्यादा हाइप बढ़ गई। तो फिर कभी पोस्टपोन को लेकर के, कभी टीजर को लेकर के, कभी पोस्टर को लेकर के, कभी लीक वाले वीडियो, कभी लीक वाले पोस्टर, कभी मतलब कुछ भी यार, हर एक तरफ से रॉकिंग स्टार यश की कैमियो, तो बहुत सारा डिस्कशन ऐसे होते 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 सलार मूवी का हाइप पूरा इधर से इधर पहुंच गया और बहुत ज़्यादा खतरनाक हाइप बन गया है। ओके, और ट्रेलर की इंतजार न जाने हम कब से कर रहे हैं, हम ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे, ट्रेलर की अपडेट भी वो लोग दे रहे थे एक शॉर्ट वीडियो में कि ट्रेलर कमिंग सून, लेकिन ट्रेलर नहीं आया, डायरेक्टली फिल्म पोस्टपोन हो गया, और वही ट्रेलर अभी आ रहा है, और रोजाना डे बाय डे वही ट्रेलर की रिलीज डेट को ये लोग कंफर्म कर रहे हैं हर एक वीडियो के साथ, हर एक पोस्टर के साथ, और क्वेश्चन करके, कम्युनिटी करके, बहुत सारा चीज करके। तो वो ट्रेलर जब आएगा 1 दिसंबर को, तो लिटरली इंटरनेट ब्रेक होने वाला है, इंटरनेट स्टॉक होने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिकॉर्ड बनेगा, और कोई डिस्कशन ही नहीं बचेगा मेरे ख्याल से। बहुत बड़ा दिन वो होने वाला है, और सलार का ट्रेलर एकदम से लिटरली आईमैक्स के कहने के मुताबिक वैसा कुछ करने वाला है यार, फील हो रहा है, क्योंकि लोग एकदम से भूखे हैं यार सलार के ट्रेलर के लिए। मैं यहाँ पे तो यहाँ भी मतलब देखो सलार मतलब डार्लिंग प्रभास हो गए एक, अभी वो इस तरह का एक मतलब अभी पॉपुलैरिटी वो खींच चुके हैं, अभी इस तरह से अपनी इमेज, अपनी रेंज बढ़ा चुके हैं ना, कि उनका हेटर्स जितना है, उनको प्यार करने वाले उतने हैं, फिर न्यूट्रल ऑडियंस भी उनकी फिल्म को इंतजार कर रहे हैं कि ये बंदा जो आ रहा है तो ये कुछ अलग दिखाएगा, कुछ नया दिखाएगा, हमेशा एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो कुछ अलग ही दिखाएगा, ये इंतजार सबका रहता ही है। तो उसकी फिल्म का इंतजार जो है सभी को लिटरली होता ही है, इसलिए तो इस तरह का भीड़ है भाई, इस तरह का भीड़ है, जो कि एकदम से जिस तरह का भी फिल्म आए, आदिपुरुष जैसा भी फिल्म आ गया है, जैसा भी फिल्म आए ना, वो फिल्म कलेक्शन करके चला जाता है, दूसरे किसी और फिल्म की ब्लॉकबस्टर वाला कलेक्शन करके चला जाता है। ओके, तो ये इमेज, इस तरह का जो रेंज है प्रभास बना चुका है, तो उसका फिल्म का ट्रेलर आएगा तो लिटरली इंटरनेट ब्रेक तो होगा ही भाई, होगा ही होगा, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, हेटर्स भी इंतजार कर रहे होंगे, फैंस भी इंतजार कर रहे होंगे, सारे के सारे ऑडियंस इंतजार कर रहे होंगे, तो इतने सारे लोग, तो ये ट्रेलर जब भी आएगा, देखो टीजर कब आया था, एकदम से अर्ली मॉर्निंग आ गया था, लेकिन फिर भी नंबर 1 टीजर बन गया 24 आवर्स में, इतना सारा व्यूज खींच करके। तो ये होता है एक्चुअली में क्रेज, तो ये क्रेज तो ट्रेलर के साथ और भी ज्यादा होगा। हाँ, यहाँ पे टीजर की बात कर रहा हूं, तो एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, जो टीजर के रिव्यू के साथ भी कहा था आपको, देखो ये जो टीजर आया था सलार का, ये सलार का टीजर ना
किसी और फिल्म का टीजर क्या होता है कि हमें फिल्म की भूख बढ़ा देती है, ओके टीजर देखने के बाद हमें फिल्म का भूख बढ़ा देता है, लेकिन ये जो टीजर आया था ये टीजर बस फिल्म का भूख नहीं बढ़ाया था बल्कि नेक्स्ट आउटपुट का भूख बढ़ा दिया था, क्योंकि टीजर में कुछ भी रिवील नहीं हुआ था तो हमारा एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा बढ़ गया कि भाई इसका ट्रेलर जब आएगा वो ट्रेलर में हमें कुछ और देखने को मिलेगा, चाहे वो हीरो का फेस हो, पृथ्वीराज सुकुमारन को और थोड़ा ज्यादा हो, बाकी सारे स्टारकास्ट हो, स्टोरी का वाइफ हो, कुछ भी, हर एक चीज भी, मतलब बहुत सारा चीज हमें जो ट्रेलर में देखने को मिलेगा, तो जो टीजर आया था वो टीजर नेक्स्ट आउटपुट की बुक पढ़ा दी, सिर्फ और सिर्फ फिल्म का नहीं, जो कि दूसरे किसी और फिल्म का टीजर के साथ होता है, किसी और फिल्म का टीजर क्या करता है फिल्म का बुक पढ़ा देता है डायरेक्टली, और बीच में जो प्रमोशनल वीडियो वगैरह होता है उसका भूख उतना ज्यादा नहीं बढ़ाता, लेकिन सलार का टीजर जो है नेक्स्ट आउटपुट के जितना सारा प्रमोशनल वीडियो नेक्स्ट आएगा जो ट्रेलर आएगा उसका भूख बढ़ा दिया है, तो यह इंटरनेट ब्रेक होने वाली आईएमएक्स जो बात छिड़ा है ना ये 100% सही है। ओके होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।